हेलो, आज है वुमेंस डे और वुमेंस डे की सबको बहुत बहुत बधाई। और वुमेंस डे महिला दिवस, जैसा कि मैं आपको आगे वीडियो में बताया है कि वुमेंस डे जो है 1975 से मनाया जाता है इंडिया में। रूस में तो 1908 से मनाया जाता था, और उस वुमेंस डे मनाने के बाद एक ब्रेड फैक्ट्री में एक औरत काम करती थी, उस चक्कर में रूस में शुरू हुआ था, और उसके बाद से उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलना शुरू हुआ था रूस में। और इंडिया में 1975 से मनाया जाता है, और आज वुमेंस डे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और हर नारी, वुमेंस डे क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है कि नारी के अधिकार के को, हर नारी को एक सक्षम होना, एक मजबूत होना बहुत जरूरी है। बेटी होती, बहुत से जगह अब भी ऐसा है कि बेटी है घर में रखो, बेटी है घर में रखो, लेकिन नहीं, बेटी को ही तो मजबूत बनाना है। अगर एक बेटी को आपने मजबूत बना दिया तो आपके घर की, उसने आगे जाके एक परिवार को फिर एक मजबूत बना दी है, वो फिर एक बेटी को और मजबूत बनाती है। अगर बेटी ही दबाई और कुचली जाती है तो वो आगे भी दबली कुचली, आगे की बेटियां भी दबली कुचली जाती है। इसलिए वुमेंस डे पे मैं एक संदेश यही देना चाहती हूँ कि लड़कियों को कभी कमजोर ना समझें, लड़कियों को हमेशा आगे रखें, और उन्हें अगर उनके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो उसे आगे, उसे प्रोत्साहन दें, ना कि उसके जज्बे को दबाया जाए, उसे प्रोत्साहन दिया जाए कि अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसे करने के लिए पूरा मौका दिया जाए। इसलिए मैं, एक बेटी होती है, एक पत्नी होती है, मतलब जो औरत होती है, एक पत्नी होती है, एक बेटी होती है, एक बहन होती है, एक माँ होती है, और सारे रोल वो कितने अच्छे से निभाती है। तो बस मेरी आप लोगों से यही है कि जो भी मेरा वीडियो देखता है तो इस वुमेंस डे को एक अच्छी तरीके से, और अपने दिल में ये सोच के कि हम अगर किसी के बेटी है तो हम उस बेटी को आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। शादी, देखिए शादी तो होनी ही है, शादी तो एक काम है, आखिरी सामाजिक काम है, तो ये तो होना ही है, लेकिन उसके अंदर, उससे पहले जो उसे तैयार करना है, आप उसे तैयार करिए, पढ़ाइए लिखाइए, जिस लाइन में वो जाना चाहती है भेजिए, और उसे तैयार करके एक मजबूत बना के उसके बाद उसे शादी के बंधन में बांधिए, तो फिर देखना कितना मजा आएगा। ठीक है, देखिए आज वुमेंस डे पे हमने क्या क्या किया है, और ये देखना, और ये वीडियो पूरी आपको देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। तो देखिए आज मैं इसकी थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी झलक मैंने आपको दिखाई है, आइए चलिए देखते हैं। मानिया दोनों एक जैसी, दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, दुल्हन के जैसे माँ का चल ओढ़ते हैं, भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं, आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी, दोनों हाथ मिलाकर चलते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है, कुछ भी नहीं अंतर फिर क्यों, प्लन मिस पहली मारी जाती है, बेटियां 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 बेटियां, जय हिंद जय भारत, जिंदाबाद जिंदाबाद। देना होगा, देना होगा, आंगनवाड़ी शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, फ्रंट लाइन वर्कर को मानदेय देना होगा, देना होगा, देना होगा, फ्रंट लाइन वर्कर को मानदेय देना होगा। आज महिला दिवस है, वुमेंस डे,
और ये महिला दिवस जो मनाया गया था ये 1975 में से शुरू हुआ है मनाना, और 1975 में पहली बार ये महिला दिवस अपने इंडिया में मनाया गया था भारत में। तो अब वैसे तो रूस में तो 1908 में मनाया था एक रूसी महिला ने, महिलाओं ने मनाया था, और उन जब से ही उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला तो ये वुमेन्स डे बाहर विदेशों में तो मनाया ही जाता था, लेकिन वुमेन्स डे जो इंडिया में मनाया गया है वो 1975 से मनाना शुरू हुआ है। और यहाँ हम लोग भी सब वुमेन्स डे मनाते हैं, हमारे अधिकारी लोग भी अपने आज ऑफिस में मना रहे थे तो वुमेन्स डे, हम अपने तरीके से अपना मनाते हैं, हमारी यूनियन का वुमेन्स डे हम लोग अलग मनाते हैं, तो हम सब एक साथ मिलके सारी यूनियन मिलके जितनी भी थी, कई शहरों में देखो अलग अलग यूनियन होती हैं, तो सब ने मिलके आज वुमेन्स डे मनाया अम्बेडकर पार्क में, और मैं भी वहीं मौजूद थी, मैं वीडियो बना रही थी तो मेरी फ़ोटो तो आनी वो है नहीं कि मैं कैसे फ़ोटो लाऊं, लेकिन यह है कि हाँ बस यह है फ़ोटो मैंने खींच ली थी, अपनी सेल्फी ले ली थी, लेकिन वीडियो में मैं नहीं आ पाई। और ये मेरी साथी बैठी हैं, देखिए ये मेरी साथी बैठी हैं, हाय हेलो बोल रही हैं। तो बस अच्छा लगता है, आज बहुत अच्छा लगा, मतलब गाना गाया मैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत प्रस्तुत किए हमारी बहनों ने, तो बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने मतलब मैं वॉइस कॉल पे बना रही हूँ ये वीडियो इसीलिए क्योंकि ये सब बैठे हैं हमारे पदाधिकारी, यूनियन के लोग बैठे हैं, मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और मैंने इसे साइलेंट पे बनाया है।